कैसे हैं सब लोग? आप सब लोगों ने लास्ट टाइम ज्योमेट्रिकल डिजाइन सीखे कई दिनों के बाद में, है ना? तो आज तक हमने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए होंगे, तो हमने ये डिफरेंट ड्राइंग हमारे लिए एंजॉय वाला बहुत पसंद है आप सब लोग को, है ना? यानी कि आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाया, करेक्ट? तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ये सीखे कि पेपर कैसा पकड़ना चाहिए, ड्राइंग कैसा करना चाहिए, आउटलाइन कैसा करना चाहिए, करेक्ट? तो हम लोग ये सेकंड पार्ट में हम लोग आज सीख रहे हैं कि कलर कैसा करें, ठीक है? तो आज हम आपको कलर सिखाएंगे कि कलर किस तरह से करना चाहिए सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले कलर करते वक्त आप लोग पहले ये सोचो कि आपको कौन से कलर करना है। मैं जो सिखा रहा हूँ वो सेम करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। तो जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे वाटर कलर है, पोस्टर कलर है या ऑयल पेस्टल है, तो आप कोई भी कलर से आप लोग कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को ऑयल पेस्टल सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है आपके पास जो भी कलर है आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हैं। और सेम टू सेम कॉपी करना जरूरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए,
पूरा शेडिंग कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो थोड़ा आपको कलर का हिस्सा उल्टा हाथ करो, जिसमें नीचे जो भी कलर से निकल जाता है। अब मैं न्यूज़पेपर नीचे का निकाल लेता हूँ, जिसमें हमारा पेपर खराब नहीं होना चाहिए। ये रहा डिजाइन और ये रहा अपना कलर कॉम्बिनेशन। और इसमें आपका कलर मल्टी कलर है, ऑयल पेस्टल कलर शेडिंग है, आप प्लेन कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब आप नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डिजाइन सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।